नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका, और अब खबर देखते हैं विस्तार से। धार जिले में मंगलवार को शराब माफियाओं ने एसडीएम और नायब तहसीलदार पर हमला कर दिया था। वहीं अब इस मामले में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार ने 8 से 10 दिनों में कई ट्रक अवैध शराब की पकड़ी गई है, जिसकी पूरी जानकारी कांग्रेस के पास है। कांग्रेस नेता ने अवैध शराब के कारोबार में बीजेपी नेता के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अब सरकार कहाँ है। इन्होंने विगत 8-10 दिनों में इन्होंने कई ट्रक अवैध शराब के पकड़े हैं, पूरी जानकारी हमारे पास, हम लोग टच में वहां के रहे हैं। कई ट्रक अवैध शराब के, जिसमें भाजपा के नेता लिप्त हैं, और एक तहसीलदार के मुंह में रिवाल्वर लड़ा के उसके किडनैप करके 10 किलोमीटर दूर उस आईएएस अधिकारी को इतना मारा कि बड़ी बुरी हालत में और बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। शराब माफिया, बीजेपी का शराब माफिया, धार जिले में जो मंत्री जो नेता है ना, ये सब इन्वॉल्व हैं। ये हमें पहले रिपोर्ट आ गई थी,